शिवपुरी जिले के नरवर शिक्षा विकास खंड में संचालित एकीकृत शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चकरामपुर में बच्चों को भोजन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बता दें कि प्राथमिक शाला में कक्षा 1 से 5 तक 180 बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो वहीं माध्यमिक शाला में कक्षा 6 से 8वीं तक 180 बच्चे पढ़ते हैं। इन दोनों ही स्कूल के बच्चे सारे दिन भूखे रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। वहीं स्कूल के बच्चों का कहना है कि प्राथमिक विद्यालय में समूह संचालक चिंटू राम कुशवाहा और माध्यमिक विद्यालय में समूह संचालक पर्वत सिंह कुशवाहा मध्याह्न भोजन वितरण करते हैं, लेकिन इनके द्वारा स्कूल में मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा हफ्ते में 3-4 दिन खाना बनता है। इतना ही नहीं, जिस दिन खाना नहीं बनाते उस दिन सारे दिन बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि लापरवाही बरतने वाले समूह संचालक पर जिम्मेदार मेहरबान क्यों बने हुए हैं और आज तक इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। एक एक रोटी दो दो रोटी मिलती है यहाँ पर और खाना कभी कभी बनता है। अच्छा, आज खाना बना है? नहीं। आज दिन कौन सा है? शनिवार। और टाइम कितना, मतलब आज का खाना क्या? तारीख कितनी है आज? 30 तारीख है। और महीना कौन सा है बेटा? तो क्या खाना आज बना नहीं है? नहीं। तो आप लोगों ने टीचरों से नहीं बोला? बोला था। तो फिर टीचरों ने क्या कहा? नहीं, क्या कहा बताओ ना। कुछ नहीं बोला। अच्छा अच्छा, ये बताओ यहाँ पे खाना कब तक, मतलब कब कब बनता है? अच्छा, मतलब एक दिन बनाते हैं तो अब उनकी मर्जी है, कभी बनाते कभी नहीं बनाते हैं? एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय चकरामपुर। तो आज खाना मिला था आपको? नहीं। कितने दिन से नहीं मिला खाना? एक दिन बनता, दो दिन नहीं बनता। अच्छा, अभी कल बना था? कल तो बना था। अच्छा, आज ही नहीं मिला है? आज नहीं मिला। तो आप टीचरों से बोलते नहीं है कि हमको खाना नहीं मिल रहा? बिना सूचना के खाना बंद कर दिया। तो इन लोगों ने जैसे खाना बंद कर दिया है तो इन पे आपके क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप किस तरह की इन लोगों पे कार्रवाई करते हो? और ऐसा चाहिए होता ही है, आज कोई नया नहीं हुआ है। मैं उनको नोटिस देता हूँ और नोटिस देने के बाद मैं विभाग को भी लिखता हूँ। अरे, तो विभाग के द्वारा इन पे कोई कार्रवाई आज तक की गई नहीं की गई, क्या है क्या? पहले से उनके लिए भी नोटिस दिए गए हैं। नहीं तो मतलब जैसे नोटिस दिए गए हैं, सिर्फ नोटिस से काम थोड़ी चलता है। यहाँ बच्चा जो है सुबह से आता है एक उम्मीद लगा के और यहाँ आके उसको खाना नहीं मिलता है, दिन भर भूखा प्यासा रहता है। यहाँ बच्चे कितने हैं यहाँ पे टोटल छात्र छात्रा? टोटल छात्र छात्रा 375। अब 375 बच्चों में से कितने बच्चे आए आज? 375 में से लगभग रजिस्टर में देखना पड़ेगा मेरे। तो फिर भी ये कम से कम जो है 300 बच्चे तो आए। 250 बच्चे। अब 250 बच्चे यहाँ सारे दिन से भूखे प्यासे हैं, इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार तो समूह वाले हैं। नहीं, समूह वाले फिर आपकी भी कोई जवाबदारी है? आप यहाँ पे आप ही के भरोसे बच्चे आते हैं, पालक बच्चों को स्कूल में भेजते हैं शिक्षकों के भरोसे, तो इस पे तो आप तो ये बताइए इस समूह वाले पे किस तरह की कार्रवाई कराएंगे? इस समूह को हटवाने के लिए कार्रवाई कराऊंगा मैं। कब कराएंगे? मैं लिखित में दूंगा कि इन समूहों को हटाया जाए, दूसरे समूहों को दिया जाए जिससे खाना सही बनाया जाए। समस्या कब से आ रही है? समस्या तो ऐसा बंद कर देते हैं, वे कई बार बंद कर चुके हैं। अभी तो हटाने के लिए क्यों नहीं लिखा आपने? हटाने के लिए भी लिखा है मैंने। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आपके अधिकारी? अधिकारी कार्रवाई तो अधिकारियों से, मैं छोटा कर्मचारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप जब तक लिखित में कार्रवाई कैसे होगी? ऊपर उनको थोड़ी पता क्या हो रहा है, लिखित तो आप ही बताएंगे ना। खाना नहीं बना।